गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 37D में BPTP टावर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। यहां सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिम्मा बिल्डर कंपनी संभाले हुए हैं, जिससे लोग परेशान थे। आलम यह रहा कि परेशान होकर लोगों ने मीडिया के माध्यम से अपनी समस्याएं रखी। वी न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। BPTP टावर में रह रहे लोगों की अब समस्याओं का समाधान होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। सेक्टर 37D में स्थित BPTP टावर में रह रहे लोगों को बीते दिनों मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बिजली पानी तक के लिए इन लोगों को तरसना पड़ रहा था। फिलहाल यहां 70 परिवार रह रहे हैं, मगर ये परिवार उस दिन को कोस रहे थे जब उन्होंने इस टावर में अपना फ्लैट बुक कराया था। इस टावर में रह रहे लोगों को रिहायशी सुख नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर बीते दिनों वी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची और वहां रह रहे लोगों की आवाज को बुलंद किया, जिसके बाद बिल्डर हरकत में आए और आज सुबह प्रोजेक्ट हेड और मेंटेनेंस मैनेजर ने वहां रह रहे लोगों की मीटिंग ली और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उन समस्याओं का हल तुरंत करवाया गया और कुछ समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया गया। वी न्यूज़ के थ्रू हमने जो अपनी वॉइस रेज की थी, उसमें वो हमारी वॉइस BPTP की मैनेजमेंट तक पहुंची है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, उन्होंने पहले सारे इश्यूज़ देखे समझे और हमारी मीटिंग जो है BPTP के प्रोजेक्ट हेड और मेंटेनेंस हेड से हुई है। उन्होंने हमें कुछ डेडलाइंस दी हैं, कुछ चीज़ें हमारी ऑलरेडी काम हो गई हैं, जैसे बिजली की हमारे इश्यूज़ थे, उन्होंने कल हमारे पास यहाँ पे जनरेटर ला के रख दिया है और वो जल्दी फंक्शनल होगा। और साथ के साथ STP का उन्होंने हमें डेडलाइन दी है, पानी के कनेक्शन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हमारे सामने बात की है, तो इन्होंने ऑलरेडी हमारे बहुत एक्टिवली हमारे साथ काम करना शुरू कर दिया है और जो हमारी कंप्लेंट्स थी उन्होंने उसके ऊपर रिजोल्व करने के लिए काम शुरू किया है। दो दिन पहले हमने जो कुछ इश्यूज़ रेज किए थे BPTP मैनेजमेंट के सामने और आप लोगों के सामने वी न्यूज़ के ज़रिए, और आज बहुत पॉजिटिव बात हुई है। कंपनी ऑफिशियल्स हमारे से मिलने आए एंड अच्छे से पॉजिटिवली बात हुई है, एक एक चीज़ को उन्होंने सुना भी है। कुछ इश्यूज़ पे तुरंत एक्शन लिया गया, कुछ इश्यूज़ पे अभी इन ड्यू कोर्स एक्शन लिया जाएगा एंड वी आर होपफुल कि जल्दी ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हम लोग अच्छे से सेफली, जो हमारा सेफ्टी मेन पॉइंट था और वाटर लॉगिंग का मेन पॉइंट था, इश्यूज़ लाइट के इश्यूज़ से कुछ इश्यूज़ पे तुरंत काम हो गया और बाकी भी जल्दी होने वाला है। वी आर होपफुल कि जल्दी ही जो है BPTP इन चीज़ों को अपने प्रोमिसज को पूरा करेगा और हम अपना सेफली रह पाएंगे। जो हमारा प्रॉपर मीटिंग हुआ उसके ऊपर BPTP मैनेजमेंट के साथ में, जो बंदे को प्रोजेक्ट के थे या BPMS के थे जो हमारे यहाँ पे केयर टेक करेगी, तो उन्होंने उसका सोल्यूशन दिया हमारे को, एक टाइम फ्रेम बता दिया कि किस टाइम फ्रेम तक हम क्या क्या चीज़ें अपडेट कर देंगे। कुछ जैसे अपना हमारे को जनरेटर का रिक्वायरमेंट था पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो आ चुका है, ठीक है। STP का एक उन्होंने टाइम लाइन दी है, बाकी चीज़ों का भी टाइम लाइन है, वो कह रहे हैं टाइम फ्रेम के साथ में सारी चीज़ें उन्होंने एश्योरेंस दिया कि वो चीज़ें कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर होपफुली हम वो चीज़ें चलेंगी और इसके लिए थैंक यू करना चाहता हूँ मैं वी न्यूज़ का और आपका BPTP के उसका टीम का भी। हम लोग जिस ट्रोमा से एक्चुअली निकल रहे थे, हमारा सुनवाई हुई और उसके ऊपर काम हुआ, अच्छे से काम हुआ। लेकिन मेरा एक इसमें छोटा सा पॉइंट आपके लिए ये भी है, जिसको आप हाईलाइट करें इशू को, हमारे जो सोसाइटी को आने कनेक्टिंग रोड है हमारी, ये शायद मैं यहाँ पर 3 साल से रहता हूँ और ये रोड का काम जब से भी हमने देखा है ना, इसमें आज तक कोई डेवलपमेंट रिपेयरिंग को लेकर अलावा नहीं हुई, ना कोई सीवरेज है यहाँ पर, ना पानी की निकासी का कोई प्रबंध है। मैं मैनेजमेंट आपके थ्रू गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अपने सर्किल रेट्स रिवाइज़ कर दिए हैं, इसमें कैंपस के रहने वालों के लिए आप EDC IDC चार्ज कर रहे हो, उसका हमें मूलभूत सुविधाओं के लिए आप हमें उसका वो भी तो दीजिए ना इन रिटर्न। एज ए रेजिडेंट हम लोगों की डिमांड है कि इस चीज़ों को भी आप यहाँ पे तुरंत से तुरंत हमारे सॉल्यूशन दीजिए। जो बाहर हमारे पानी की लॉबिंग है, इतना पानी यहाँ पे भरता है, कोई आदमी अगर 2-व्हीलर से आना चाहता है तो शायद 2-व्हीलर से आने में भी उसको बड़ी दिक्कत होगी। वही आपको बता दें कि BPTP टावर के सामने जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली, इसको लेकर भी लोग आवाज बुलंद करते नजर आए। टावर में रह रहे लोगों ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े किए। आपको बता दें कि जरा सी बारिश में यहां सड़कों का बुरा हाल हो गया है और आने जाने वाले लोगों को इस जल भराव के कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।